सभी भैया बहनों को मेरा नमस्कार प्रणाम। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा पंचमी विषय पर्यावरण अध्ययन अपना परिवेश से पाठ एक रिश्तों की समझ, जिसमें भाग दो परिवार का वंश वृक्ष आज हम पढ़ेंगे। पहले हमने भाग एक पढ़ लिया है संजना की उदासी के बारे में। भाग दो में उद्देश्य रहेगा परिवार के वंश वृक्ष को समझना। वंश वृक्ष का अर्थ है कि जिस प्रकार वृक्ष बढ़ता है उसी प्रकार परिवार भी बढ़ता है। जैसे एक छोटा पौधा जिस पर पत्तियां कम लगी हुई होती हैं, उसी प्रकार परिवार भी पहले छोटा होता है, फिर एक बड़े वृक्ष की तरह परिवार भी बढ़ता रहता है, उसका वंश बढ़ता जाता है। इसी को ही परिवार का वंश वृक्ष कहा गया है। ऐसे ही हमारे पर दादाजी के पुत्र दादाजी थे, और दादाजी के पुत्र हमारे पिताजी और उनके भाई थे, और उनकी संतान हम हैं। यहाँ एक वृक्ष के समान ही हमारा परिवार बढ़ा है। तो अभी पाठ में देखिए, संजना ने अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाया है। आप भी अपना वंश वृक्ष बना सकते हैं। संजना ने अपने वंश वृक्ष, मतलब जो परिवार का वंश वृक्ष है, उसमें परदादाजी से शुरू किया है। उनको पता परदादाजी तक था। आपको अगर परदादाजी से आगे भी एक पता हो तो वहाँ से शुरू कर सकते हैं। यहाँ परदादाजी जो संजना के परदादाजी है, उनका नाम है अंडाराम। तो अंडाराम के जो पुत्र थे वो है मोतीलाल। मोतीलाल जो संजना के क्या लगते हैं, दादाजी। फिर जो मोतीलाल के पुत्र थे वो थे जगदीश। जगदीश संजना के क्या लगते हैं, पिताजी। मतलब जगदीश जो रिश्ता है पिताजी का है संजना से, फिर संजना स्वयं। इसी प्रकार जो ये तो था पिता के संबंध का, और दूसरी साइड दिया हुआ है अपनी माता के संबंध का। जो संजना की माता है ना, उनके संबंध, उनका रिश्ता दिया हुआ है। तो यहाँ पर वंश वृक्ष देखिए, धापू बाई जो पर नानी जी है संजना की, और उनकी पुत्री थी कमला। कमला संजना क्या लगती है, नानी जी। और कमला की जो पुत्री थी वो कौन थी, रितु। रितु संजना की क्या लगती है, माता जी, और उसके बाद संजना स्वयं। तो ये इस प्रकार संजना ने अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाया है। अब आप भी अपने परिवार के पिता व माता दोनों ओर के सदस्यों की सहायता से वंश वृक्ष बनाइए। आपको भी अपने परिवार का वंश वृक्ष तैयार करना है, अभ्यास करना है उसका। तो अभी मैं संजना के परिवार के वंश वृक्ष से दो प्रश्न आपसे करूंगा। संजना के दादाजी का क्या नाम था? बहुत अच्छा, क्या नाम था, मोतीलाल। संजना के माताजी का क्या नाम था? क्या नाम था, रीतु। बहुत अच्छा। अब पाठ में आगे बढ़ते हुए सलमा के बारे में पढ़ते हैं। सलमा घर आकर पिताजी से पूछती है कि हमारे दादा दादी चाचा चाची हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं। पिताजी, अपना परिवार इतना दूर शहर में क्यों आ गया? क्या हम अपने गांव में रहकर साथ साथ कार्य नहीं कर सकते? तो सलमा के इन प्रश्नों से हमें पता चल गया है कि सलमा का परिवार शहर में रहता है, और उनका परिवार एकल परिवार है। उनके साथ दादा दादी चाचा चाची नहीं रहते हैं, वो सब गांव में रहते हैं। कोई भी परिवार गांव छोड़कर शहर क्यों जाता है, इसी का कोई न कोई कारण होता है। वो शिक्षा हो या बेरोजगारी हो, मतलब रोजगार के लिए भी जा सकते हैं, और भी कई कारण हो सकते हैं इसके लिए। तो पिताजी इसके बारे में क्या उत्तर देंगे, उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो सलमा के पिताजी कहते हैं कि आजकल व्यवसाय की तलाश
या उच्च शिक्षा पाने के लिए परिवार शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं। शहरों में अधिकतर छोटे छोटे मकान होते हैं जिसमें कम लोग रह सकते हैं। अब इसमें यह भी कारण हो सकता है कि मकान छोटे होने के कारण वो सभी संयुक्त परिवार के साथ वहाँ पे नहीं रह सकते, और मकान का किराया भी अधिक होता है, और सभी का काम एक जैसा नहीं होने के कारण भी नहीं रह सकते हैं। इसी प्रकार और भी कारण होंगे, आगे पढ़ते हैं। इसलिए संयुक्त परिवार बंटकर एकल परिवार बनने लगे हैं। मतलब वहाँ पे छोटे मकान होने के कारण सभी लोग वहाँ नहीं रह सकते, इसलिए वहाँ पे सदस्य कम रहते हैं, एक ही परिवार रह पाता है, माता पिता और उनके बच्चे, इसलिए वो एकल परिवार बनने लगे हैं। सलमा के पिताजी संयुक्त परिवार बंटने के और भी कई कारण बताते हैं, जिसमें जैसे परिवार की सदस्य संख्या अधिक हो जाती है तो भी एकल परिवार हो जाते हैं और परिवार बंट जाता है, और परिवार में किसी सदस्य की आदतें भी कुछ अच्छी नहीं हो तो उसके कारण भी हो सकता है, सदस्यों का व्यवहार सही नहीं होता है। और आर्थिक स्थिति का मतलब है, यहाँ मतलब यही है कि जो कुछ लोग हैं, जो मतलब कम लोग हैं जो रुपया पैसा कमाते हैं, धन दौलत कमाते हैं, और ज़्यादा लोग खर्च करते हैं तो परिवार सही तरीके से चल नहीं पाता है, तो इस यही आर्थिक कारण भी हो सकता है। आय व्यय करने की क्षमता, तो घर में अधिक मतलब कम आय और अधिक व्यय हो जाता है तो भी परिवार बंटने शुरू हो जाते हैं। आगे त्यौहार मनाने के लिए अपने अपने अलग अलग राय रखते हैं, और उसमें हर किसी को अपने तरीके से त्यौहार मनाना चाहते हैं, तो उसी कारण भी बंट सकता है परिवार। त्यौहार मनाने में यह भी अंतर आया है कि पहले सभी लोग मिलजुल कर त्यौहार मनाते थे और एक दूसरे से मिलजुलते थे, बातचीत करते थे। वर्तमान में ऐसा कम देखने को मिलता है, सभी लोग एकल परिवार में रहने के कारण अकेले में ही त्यौहार मनाना चाहते हैं। तो अभी के त्यौहारों में रहन सहन और खान पान का काफ़ी अंतर आया है। तो पढ़े गए पाठ से कुछ प्रश्न करूँगा। प्रश्न पहला, परिवार शहरों की ओर पलायन क्यों करते हैं? इसके दो कारण बताइए। बहुत अच्छा, व्यवसाय की तलाश में, और दूसरा उच्च शिक्षा पाने के लिए। प्रश्न दो, परिवारों में सदस्य संख्या बढ़ने व आय व्यय करने की क्षमता से परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत अच्छा, क्या प्रभाव पड़ता है? संयुक्त परिवार बंटने शुरू हो जाते हैं। आगे अभी एक सारणी आई है, अपनी कॉपी में सारणी बनाकर लिखिए कि आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ कब कब जाते हैं, जैसे आवश्यक कार्य होने पर, त्योहारों पर या कभी नहीं। इस सारणी में यह है, पहले कॉलम में रिश्तेदारी, दूसरे कॉलम में क्या आप इनके साथ रहते हैं, और तीसरे कॉलम में दिया हुआ है कब कब जाते हैं। तो पहले रिश्तेदारी कॉलम में लिखा हुआ है नाना जी नानी जी, साथ में नहीं रहते हैं तो नहीं रहते लिखे हैं, और कब कब जाते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में जाते हैं। आगे है दादाजी दादी जी, तो इनके साथ आप रहते हैं या नहीं, नहीं रहते हैं तो यहाँ पे नहीं रहते लिख दें, और आगे है कब कब जाते हैं, छुट्टियों में जाते हैं, रविवार की छुट्टियों में जाते हैं। आगे है चाचा जी चाची जी, आप अपने माता पिता के साथ शहर में रहते हैं या फिर चाचा चाची के साथ शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, तो साथ में रहते हैं या नहीं रहते हैं वो लिखना है, या फिर अपने माता पिता के साथ रहते हैं और चाचा चाची के वहाँ कब कब जाते हैं वो लिखना है, त्यौहार पर जाते हैं, छुट्टियों में जाते हैं वो, ठीक है। इसी प्रकार आगे बुआ जी फूफा जी
मौसा जी, मौसी जी, और भी जोड़ सकते हैं, मामा जी, मामी जी, अगर नाना नानी से अलग रहते हैं तो उनके बारे में भी लिख सकते हैं। यह सारणी आपको अपनी कॉपी में बनानी है। आपको दो प्रश्न और उत्तर आगे दिए थे वो, और एक ये सारणी आपको कक्षा कार्य में करनी है। अभी दो गृह कार्य प्रश्न देंगे। गृह कार्य प्रश्न। प्रश्न पहला, समय के साथ त्यौहार मनाने के तरीकों में क्या बदलाव आए हैं, कोई एक तरीका लिखिए। यह आपको प्रश्न गृह कार्य करना है। प्रश्न दूसरा, संयुक्त परिवार व एकल परिवार में कोई दो अंतर लिखिए।